ये पेंडुलम है, ये कहीं भी जैसे साइंटिफिक स्टोर होता है वहाँ पर ये मिल जाता है। कुछ एस्ट्रोलॉजी वाले भी इसको यूज़ करते हैं, तो किसी भी जगह पे रख के उसके वाइब्रेशंस को चेक करते हैं। तो आज हम इस पेंडुलम से आपकी शरीर की ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी उसको मेजर करेंगे। फिर आपकी जो नेचुरली जो होती है एनर्जी उसका लेवल ये जब तक घूमेगा वो तब बताएगा। फिर दूसरा ये स्टेप करेंगे कि आप जो जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो आपके साथ में रहेगा और इसका कितना रेडिएशन को आता है आपके बॉडी को लगता है। फिर इसी मोबाइल पे एक गाय के गोबर से बनी हुई एंटी रेडिएशन यानी अच्छा रेडिएशन मास्किंग चिप लगाएंगे। वो मास्किंग चिप लगाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल क्या रहती है उसका माप लो अभी प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो पहले मोबाइल के बिना करेंगे। तो अभी जैसे आपका हाथ रखा है तो इसके ऊपर ये रखने से ये अपने आप ही घूमता है। तो अब इसकी वेट करेंगे थोड़ी देर कि ये कितने सर्कल तक जाता है। ये जितना बड़ा सर्कल करेगा उतना वो फ्रीक्वेंसी का एरिया है यानी आपकी बॉडी की एक ऊर्जा का जो लेवल है वो दिखाएगा। तो ये धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे वो रुक जाएगा और वहीं पर घूमता रहेगा। आपकी एनर्जी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अभी इस लेवल से ये बहुत आगे नहीं जाएगा, ये एक एनर्जी लेवल फाइनल हो जाता है कि इतना एनर्जी लेवल ये दिखाता है। तो इस राउंड को हम लोग अभी याद रख लेंगे कि मोबाइल के बाद ये राउंड कितना कम हो जाता है, क्योंकि उसके रेडिएशंस हमारे बॉडी की एनर्जी को कम कर देते हैं। तो अभी आप अपने हाथ के नीचे ये मोबाइल रख दीजिए, फिर अभी इसको दोबारा चेक करते हैं। अभी इसका स्टार्टिंग भी हम लोग देख सकते हैं, गोल जाने के बदले वो इधर उधर थोड़ा मूव हो रहा है, यानी हमारी जो ऑरा है उसको इसके रेडिएशन ब्रेक करते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इनकी एनर्जी लेवल थी उससे भी आधे से भी कम हो गया है। ये इसका प्रमाण है कि मोबाइल के जो रेडिएशन हमारे बॉडी को नुकसान करता कितने है। नुकसान करता है। ये ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके साथ गोबर का रेडिएशन मास्किंग चिप लगाएंगे। अच्छा सर, ये किससे बनाया हुआ है? ये गाय का गोबर है, अच्छा जो अच्छा देसी गाय जिसको बोलते हैं, जिसको कुंद होता है, इंडियन बॉस इंडिकस A2 काओ। तो इसको लगा दीजिए और अभी हाथ इसके ऊपर रखिए आपका। तो फिर से उसको पहले से शुरू करेंगे। अभी ये शुरुआत ही इसकी ठीक दिख रही है, एकदम राउंड में जा रहा है सर्कल। ये अभी धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। तो ये अभी उस लेवल पे पहुंच गया जितना इनका मोबाइल के बिना एनर्जी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी गाय बढ़ा का है, गोबर जो है उससे अपन का एनर्जी बढ़ता है। बढ़ता जैसे आपका मोबाइल के बिना एक एनर्जी लेवल था, फिर मोबाइल के साथ टिकड़ी लगाई है गोबर की चिप, तो आपका जो पहले जो था उससे भी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। ज़्यादा क्या बढ़ता कम से कम ये तो क्लियर ही है कि मोबाइल का जो आपको नुकसान करता है वो तो डेफिनेटली ये क्लियर हो गया इससे। अच्छा, तो ये मोबाइल चिप्स कहाँ लगाने का है, ये मोबाइल के पीछे चिपका सकते हैं कैसे इसको, लगाना है? इसके पीछे एक कागज़ का ऐसे सॉल्यूबल है, ये निकल जाएगा और ऐसे मोबाइल पे लगा देना है। ये हो गया आपका सेफ गार्ड यानी मोबाइल रेडिएशन मास्किंग चिप मेड फ्रॉम काउडंग इंडियन काउ।
देसी गाय जिसको बोलते हैं उसके गोबर से बना हुआ है। तो गोबर की ये ताकत है, इसलिए पहले के लोग घरों में लिपाई करते थे गोबर से, इसलिए वो लोग तंदुरुस्त थे।